हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा होंडा शाइन में अपन आरपीएम मीटर कैसे सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं उसमें आरपीएम मीटर के लिए। तो एक तो है जो आफ्टर मार्केट छोटे वाले आरपीएम आते हैं वो आप ले सकते लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले वैसा लगा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो ऐसा पूरा मीटर भी, कंसोल भी आप पूरा चेंज कर सकते हैं, डिजिटल वाला भी आप लगा सकते हैं, आप एनालॉग वाला भी लगा सकते हैं। मैंने एनालॉग लगाने का रीज़न मेरा यही है कि एनालॉग में ना ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं होता है वायरिंग का, और डिजिटल में क्या होता है ना कि उसका सेंसर पे डिपेंड करता है। डिजिटल में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है एक फ्यूल गेज का, लेकिन वो भी ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आता है किलोमीटर का, क्योंकि उसका पूरा टायर पे पूरा सेंसर का सेटिंग करना पड़ता है। अगर सेटिंग अगर उसका बराबर नहीं होता तो आपका किलोमीटर रीडिंग बराबर नहीं दिखाएगा। एनालॉग में प्रॉब्लम, एनालॉग में बेनिफिट क्या है ना, वो डायरेक्ट केबल सिस्टम होता है। अगर आपकी बाइक में केबल सिस्टम है तो डायरेक्ट केबल डाल के कर दो तो आपको रीडिंग्स परफेक्ट आएगा। अब ये जो मीटर है ना, इसके रीडिंग्स एकदम परफेक्ट आ रहे हैं इसमें। ये दूसरा वाला मीटर है, जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था ना वो मीटर अलग था, उसमें आरपीएम ख़राब था। तो ये दूसरा मीटर मैंने फिट किया, ये मुझे दूसरा अच्छा वाला मीटर एक और मिल गया, तो मैंने ये वाला मीटर फिट किया। और मुझे आरपीएम गेज भी एक अलग से मिल गया, वो मैं भी आपको मैं आगे बता दूंगा। तो आपको मैं पहले मेरी बाइक दिखा देता हूँ, ये इसको कैसे मॉडिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना तो ये आपको आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये साइड लुक था, और ये अभी फ्रंट में ऐसा है। तो ये आगे से मैंने हिमालयन का वाइज़र लगाया हुआ है, और ये राउंड हेडलाइट लगाई है, क्योंकि ओरिजिनल हेडलाइट जो थी वो टूट गई थी। नीचे का जो स्क्रू होता है वो टूटा था, और उसका साइड पैनल भी एक स्क्रू उसका टूट गया था। तो इसलिए बाद में फिर मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। अभी ये आरपीएम को लगाने का कैसा, इसके अंदर जो है आरपीएम का मेन जो एक वायर होता है ना, वो आप इसको डायरेक्ट लेके जाके उसको यहाँ पे इग्निशन कॉइल होता है टाकी के नीचे, उसका इग्निशन कॉइल पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप वाला वायर होगा उस पे लगाने का। एक ग्रीन कलर का होगा वो अर्थिंग होगा, और दूसरा एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होगी। ये होंडा में नॉर्मली ऐसा रहता है, ब्लैक स्ट्रिप वाला रहता है। बाकी अगर दूसरे कंपनी का किसी का अगर बाइक होगा तो कलर कोड चेंज हो सकता है, लेकिन ब्लैक स्ट्रिप वाला लगाने का। अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ये देखिए, ये जो है ना, ये वायर है जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप से निकला हुआ है, ये वाला वायर है। बाकी ये जो दो वायर है ये मैंने किल स्विच का वायर है। तो अभी यहाँ से एक्चुअली एकदम अंदर से जाने के लिए बहुत मुश्किल है, दिखेगा नहीं, पूरा टाकी मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक स्ट्रिप के साथ आपको जो है कनेक्ट करने का है। अगर होंडा रहेगा तो ब्लैक स्ट्रिप वाला रहेगा, बाकी कोई दूसरा अगर बाइक रहेगा कंपनी का तो उसका कलर कोड अलग होगा। तो दोनों में से आप इंटरचेंज करके देख सकते हैं किस में किधर बैठेगा। तो ये चालू हो जाएगा आरपीएम। बाकी के जो वायर होते हैं वो पावर सप्लाई का वायर होता है। अगर आप आफ्टर मार्केट वाला लेंगे तो उसमें 5 वायर होगा। एक वायर होगा आरपीएम का जो मैंने आपको बताया इग्निशन कॉइल पे कनेक्ट करने का, 2 वायर होगा उसको पावर सप्लाई देने के लिए, और बाकी का 2 वायर होगा उसकी अंदर की एलईडी लाइट के लिए। तो ये सिंपल सा रहता है खाली। इसके अंदर जो है 3 वायर है खाली, 2 पावर सप्लाई का है और एक आरपीएम का है, और बाकी एलईडी लाइट का जो इसका वायरिंग उसका अलग ही है उसका, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार ऑन करके आपको मैं चार्ज स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आरपीएम इसका स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा सा रेज देता हूँ। तो काटा इसका ज़रा सा भी फ्लक्चुएट नहीं करता है, नहीं तो कभी कभी कुछ आफ्टर मार्केट में या किसी कभी कभार कुछ अगर मीटर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो काटा ऐसा फ्लक्चुएट करेगा। ये बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करता है, एकदम स्मूथ घूमता है, और इवन किलोमीटर वाला भी है, इसका काटा भी एकदम स्मूथ है, ये ज़रा सा भी फ्लक्चुएट नहीं करता है। हालांकि इसका किलोमीटर रीडिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 75,000 का किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा है वो, लेकिन ये एकदम परफेक्ट वर्किंग वाला है। इसको मैंने ओपन करके देखा था तो पूरा नया दिख रहा था, एकदम अंदर से पूरा नया है। तो ये मुझे स्क्रैप में से मिला, मुझे अच्छे से मिला, ये मैं ग्रांट रोड से मैंने लिया था, 500 रुपीज़ का मुझे पूरा मीटर ये मिला मुझे। तो ये देखिए, तो ये काटा एकदम बराबर है। अभी ये 1000 पे रहेगा। इसमें मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली चोक दे के चालू किया था, क्योंकि ये शाइन में कभी कभार ये सब प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो ये देखिए 1000 पे है ये। अभी चोक केबल नीचे किया हुआ है, और चोक केबल जो है वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, इधर है, ये स्टनर का चोक केबल है। शाइन में क्या यूजुअली यहाँ पे आता है, मैंने वो चेंज कर दिया था।
तो भाई ये सिंपल सा है ये, मैं आपको मेरा दूसरा मीटर भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसका वायरिंग आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको चाहे तो आप ऐसा कुछ अगर आपको मॉडिफाई करना है ये मीटर ऐसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आप ये वाला भी मीटर लगा सकते हैं, आप CBZ ओल्ड मॉडल का भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे एनालॉग मीटर जिसमें RPM आता है, आप ऐसा आप लगा के आपका काम कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप ऐसा कुछ ये कर सकते हैं काम। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आपको मैं आपको ये दूसरा वाला एक मेरा मीटर दिखाता हूँ। तो ये जो आपको ब्राउन कलर का जो वायर आपको जो दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का वायर जो है ये मैंने इग्निशन कॉइल के साथ कनेक्ट किया है। कॉइल पे दो वायर होगा, एक ग्रीन कलर का होता है जो अर्थिंग है, और एक दूसरा वायर जो होता है ब्लैक कलर की स्ट्रिप होगी जो CDI से आती है, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। आपके अलग अलग कंपनी के बाइक्स पे उसका कलर कोडिंग अलग अलग होगा, तो आप जो है ना थोड़ा एक ये वायर ना तो ये वायर में चेक कर सकते हैं किस में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा अंदर तक तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ब्लैक स्ट्रिप होता है नॉर्मली होंडा के जो भी बाइक्स स्कूटर होंगे ना, उसमें दो वायर होंगे, एक ग्रीन होगा और एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होगी। ग्रीन वाला होता है अर्थिंग का, और ब्लैक स्ट्रिप वाला जो होगा वो CDI से आता है, उसी के अंदर आपको लगाने का है। तो ये वाला है पुराना वाला पल्सर का मीटर जो मैंने पहले लगाया था। ठीक है, और इसमें और जो नया वाला जो मीटर है उसमें बहुत सारे चेंजेस है, उसका ये ट्रिप मीटर के भी बहुत सेटिंग्स के बहुत सारे चेंजेस है, इसके बल्ब के चेंजेस थे, और फिर बाद में इसके RPM के सर्किट का भी चेंजेस है इसमें। इसके अंदर मैंने वोल्ट मीटर भी लगाया था, लेकिन मैंने जब अभी ये वाला जो नया वाला लगा उसके अंदर मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया। उसको जब भी फुर्सत का जब रहेगी ज़्यादा तब ये पूरा करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा बात है, फुर्सत का काम है पूरा। ये मीटर भी खुलना पड़ेगा, वो भी खुल लो, सब लगाऊँ। तभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही मैंने लगा दिया बिना वोल्ट मीटर का। ये देखिए, ये है इसकी RPM की नई, ये दूसरी वाली सर्किट है, ये वर्किंग है, ये वाला वर्किंग नहीं है इसका। एक्चुअली यहाँ पे सर्किट के बहुत सारे चेंजेस है इसके अंदर। तो ये देखिए, इसके तीन वायर है, ब्लू जो है ये मेन RPM लाइन है, ये ब्लैक वाला जो है ये इसका नेगेटिव है, और ये ब्राउन जो है इसका पावर सप्लाई है। बाकी इसके जो अंदर की जो लाइट है वो तो उसका अलग ही है, अलग ही सिस्टम है उसका लाइट का। तो बस ये सेम सिंपल सा रहता है, आपको खाली ये जो ब्लू वाला जो है वो जाएगा इग्निशन कॉइल पे, और बाकी ये जो बाकी के दो जो है ब्राउन और ये ब्लैक जो है वो पावर सप्लाई का। अलग अलग RPM का अलग अलग वायरिंग कलर कोड होगा, बाकी जो बेसिक है वो सेम ही रहेगा, डायरेक्ट उसको इग्निशन कॉइल पे लगाने का, बस इतना सा ही काम होता है। ये मीटर खुलेगा, हाँ चलो खुल गया। ये देखो भाई, इसका भी एक आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये देखिए, ये RPM का लाइन है, ये पावर सप्लाई जो है ये डायरेक्ट एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टेड होता है इसका, इधर सब पावर सप्लाई एक साथ ही जाता है, यहाँ से यहीं से सब पावर सप्लाई जाता है। और इसको मैंने यहाँ पे पूरा सॉकेट निकाल के इसको वायर लगा दिया था, ये सब मैंने वायर कट ओरिजिनल वायर कट नहीं किए हुए, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा सॉकेट मैंने लगाया था। तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी RPM के लिए वही ये सेम ही है, खाली एक वायर आ जाएगा इग्निशन कॉइल पे, और बाकी कुछ नहीं रहता है। तो आप कोई भी RPM लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा मीटर मॉडिफाई करके कर सकते हैं, आप अलग से दूसरा वाला पे एक छोटा वाला RPM मिलता है वो आप लगा सकते हैं। और आपको अगर बाइक मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ आप एनालॉग में ऐसा कुछ आप कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो अगर आपको और भी अगर कुछ दूसरा कुछ अगर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम ID भी दिया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और इसका जो इंस्टॉलेशन और वायरिंग डायग्राम जो है इसका मैंने एक दूसरा ही वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।